जब मोदी जी स्वयं सीएम थे तो उनपे ना जाने कितने सारे केसेस, कितने सारी एजेंसी अनलिस्ट कर दी गई थी, पर कभी भी गुजरात सरकार ने उस समय की या मोदी जी ने इस प्रकार का रवैया नहीं अपनाया था। यही टेस्ट होता है, यही डिफरेंस होता है एक ईमानदार और नैतिक व्यक्ति में और उस व्यक्ति में जो मान लेता है, स्वीकार लेता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका जरूर। कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के भाईजान बन चुके हैं कर्नाटक। कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये भ्रष्टाचार के भाईजान बन चुके हैं। मैं कुछ सवाल आज पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से, 6-7 सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 टू कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी एंड टू ऑल द वर्दी, इफ देयर इज नथिंग टू हाइड इन द मुडा स्कैम, व्हाई डोंट यू स्टेप डाउन मिस्टर चीफ मिनिस्टर, अलाउ फॉर अ फ्री एंड फेयर प्रोब, अलाउ फॉर अ फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन, एंड व्हाई इज इट दैट एट दिस लेट स्टेज यू हैव विथड्रॉन द सीबीआई कंसेंट व्हेन योर गवर्नमेंट वाज फॉर्मड इन मई 2023, देन टुडे व्हाई यू हैव वोकन अप एंड व्हाई यू हैव डन द विथड्रॉल ऑफ कंसेंट। पहला सवाल है, कुछ छिपाने लायक बात नहीं है, तो आज इस लेट स्टेज में आप सीबीआई का कंसेंट विथड्रॉ क्यों कर रहे हैं और फ्री एंड फेयर प्रूव हो जाए इसमें, इतने सारे इंडाइटमेंट्स आने के बाद कम से कम क्या कोई भी नैतिक कानूनी अधिकार बनता है कि चीफ मिनिस्टर अपने पद पर बने रहे। सेकंड क्वेश्चन, क्या ये सहयोग है या सोचा समझा प्रयोग है कि इतने सारे ऑर्डर्स और ऑब्जर्वेशंस और इंडाइटमेंट आने के बाद कोर्ट के द्वारा आपने अपनी चोरी को छिपाने के लिए सीबीआई को ब्लॉक किया है? इजंट इट नॉट ट्रू that after the overwhelming evidence that has been heaped upon you by the agencies and by the courts, now you have blocked the CBI so that you can evade the action on your acts of corruption. एक उदाहरण ये भी है कि जब मोदी जी स्वयं सीएम थे तो उनपे ना जाने कितने सारे केसेस, कितने सारी एजेंसीज अनलिस्ट कर दी गई थी, पर कभी भी गुजरात सरकार ने उस समय की या मोदी जी ने इस प्रकार का रवैया नहीं अपनाया था। इनफैक्ट वो मुख्यमंत्री होते हुए हर इन्वेस्टिगेशन में किस प्रकार से साथ देते थे, समर्थन देते थे, और यही टेस्ट होता है, यही डिफरेंस होता है एक ईमानदार और नैतिक व्यक्ति में और उस व्यक्ति में जो मान लेता है, स्वीकार लेता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका जरूर। तीसरा सवाल, राहुल गांधी जी आप संविधान की बड़ी बातें करते हैं, आप संविधान और समाज के सम्मान की बड़ी बातें करते हैं, क्या गवर्नर को, खास करके थावरचंद गहलोत जैसे एक अति वरिष्ठ गवर्नर को जिस प्रकार से गालियां और धमकी दी गई, इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है और कांग्रेस पार्टी ने क्या कार्रवाई की? चौथी बात, आज क्या स्पष्ट नहीं हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के भाईजान बन चुके हैं कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक में केवल ये मुडा स्कैम नहीं, अब तो मुडा स्कैम 5000% कंफर्म हो चुका है, पर मुडा स्कैम के अलावा वाल्मीकि स्कैम में भी एसटी समाज का पैसा लूटा गया, लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदी गई, शराब खरीदी गई, चुनाव में वो पैसा इस्तेमाल किया गया, एक व्यक्ति की आत्महत्या भी हुई, मंत्री का नाम भी सामने आया, और बेशर्मी से कांग्रेस पार्टी कहती है स्कैम तो हुआ है जी पर 180 करोड़ का नहीं हुआ है, केवल 90 करोड़ का स्कैम, ये भी उन्होंने सर्टिफाई किया है कि ये स्कैम हुआ। फिर उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला, चावल घोटाला, और जो जमीन से जुड़ी हुई पार्टी, कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि न केवल गांधी परिवार का नेशनल हेराल्ड घोटाला बल्कि खड़गे परिवार के ट्रस्ट में भी जिस प्रकार से एरोस्पेस पार्क की जमीन आई उसमें भी बहुत बड़ा प्रथम दृष्टि घोटाला सामने नजर आ रहा है, क्योंकि एक एससी एसटी समाज के व्यक्ति को जो स्टार्टअप के लिए जमीन मिलनी चाहिए थी वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अब्यूज ऑफ पावर करके एक फैमिली रन ट्रस्ट को मिल जाती है। तो कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये भ्रष्टाचार के भाईजान बन चुके हैं। और क्या सीएम को किसी भी रूप से कंटिन्यू करने का अधिकार अब इसके बाद मिलता है? और आखिरी सवाल, सीबीआई ईडी का रट लगाना बंद कीजिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। ये वही राहुल गांधी है जब उनको सूट करता है तो वो कहते हैं विजयन जी के पास चली जाए ईडी,
विजयन जी के पास चली जाए सीबीआई, जब उनको सूट करता है तो शराब घोटाले में लिकर स्कैम की कंप्लेंट लेकर ये लोग सीबीआई ईडी के दरवाजे पहुंच जाते हैं और कार्रवाई होती है, तो दिल्ली कांग्रेस पूरे जगह पर पोस्टर लगाती है केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर। और जब सूट नहीं होता है तो ये पार्टियां सीबीआई ईडी के खिलाफ मोर्चा खोलती हैं। आज सवाल सीबीआई ईडी का नहीं है, आज सवाल सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी, डू यू कंसेंट टू द इंसल्ट ऑफ द गवर्नर, डू यू कंसेंट to such corruption that has taken place which is of 5000 crores, and if you do not consent then without any delay Mr. Siddaramaiah must resign, he must step down for a free and fair probe.